दरगाह के गेट से भड़काऊ नारेबाजी और भाषण देने वाले गौहर चिश्ती को पुलिस लेकर पहुंची खादिम मोहल्ला स्थित निवास पर। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे गौहर चिश्ती से कराई जा रही है मौका तस्दीक। पूछताछ में उगल रहा है कई राज। दरगाह के मुख्य द्वार से 17 जून को भड़काऊ नारेबाजी और भाषणबाजी के आरोप में फरार होने के बाद पुलिस गिरफ्त में आए गौहर चिश्ती को पुलिस और जांच एजेंसियों ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस दौरान उससे जहां लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं उसके सहयोगियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। बुधवार को जिला पुलिस भारी सुरक्षा के बीच गौहर चिश्ती को उसके खादिम मोहल्ला स्थित घर लेकर पहुंची, जहां उसकी मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने उसके घर से कुछ जरूरी दस्तावेज व अन्य सामान भी कब्जे में लिया, जिसकी जाँच की जाएगी। वही रिमांड के दौरान गौहर चिश्ती ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, लेकिन फिलहाल जांच जारी होने की वजह से पुलिस उसकी मीडिया रिपोर्ट नहीं दे रही। 22 जुलाई को गौहर चिश्ती की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद एनआईए के अधिकारी उससे पूछताछ कर सकते हैं। गौरतलब है कि आरोपी गौहर चिश्ती फकर जमाली, मोइन, ताजिम सिद्दीकी, रियाज हसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 115, 302, 117, 143, 149, 188, 504 और 506 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। गौहर चिश्ती 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है, जबकि अन्य आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। बुधवार को डिप्टी एसपी राम अवतार, दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार सहित कई थानों का जाब्ता भारी सुरक्षा के बीच गौहर चिश्ती को उसके खादिम मोहल्ला स्थित निवास लेकर पहुंचा था।